जहां एक तरफ उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है, वहीं बारिश के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। इन्हीं सबके बीच एक ऐसी खबर आ रही है जहां ऋषिकेश से हरिद्वार जा रही सड़क के बीच में बारिश के कारण नदी में पानी आने से कैदियों को इलाज के लिए ले जा रही वैन बीच नदी में ही फंस गई। आपको बता दें कि हल्द्वानी से ऋषिकेश एम्स कैदियों के इलाज के लिए जा रही एक वैन पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के चीला रेत से ऋषिकेश से होती हुई हरिद्वार जा रही सड़क पर नदी में फंस गई। इस वैन को पुलिस की मदद से क्रेन द्वारा बाहर निकाला गया, साथ ही सभी कैदी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की जो खबर है वो यही है कि हल्द्वानी से ऋषिकेश एम्स कैदियों के इलाज के लिए जा रही एक वैन पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के चीला रेत से ऋषिकेश से होती हुई हरिद्वार जा रही सड़क पर नदी में फंस गई। इस वैन को पुलिस की मदद से क्रेन द्वारा बाहर निकाला गया और इसके साथ ही सभी कैदी सुरक्षित बताए जा रहे हैं।